हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? पहाड़ों में एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है और आज जो है सावन के महीने का दूसरा सोमवार है। तो आज हम जा रहे हैं बंदरिया के गांव, यानी भोलेनाथ के मंदिर पे। तो वहां पे जो है भोलेनाथ का काफ़ी पुराना मंदिर है और हम वहीं पे जा रहे हैं। तो वैसे डिटेल में मैंने पहले वीडियो बनाई है। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ मम्मी है तो अभी जो है पीछे पीछे आ रही है। और आज हम बद्रा के गांव पे जाने वाले हैं, यानी भोलेनाथ के मंदिर पे जाने वाले हैं। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है और मम्मी जो है पीछे से आ रही है। तो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे से हम इतनी चढ़ाई चढ़ के आए। और दरअसल आज हम मंदिर जो जा रहे हैं वो डिंडिया गांव के रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे वाला रास्ता है वो यहाँ से जाता है, इधर से स्कूल से आगे आगे कंसली वालों के खेतों से होके वहाँ से नदी क्रॉस करनी पड़ती है। लेकिन नदी में जो है वो पानी ज़्यादा है, जिस वजह से क्रॉस नहीं हो सकती, वहाँ पे पुल नहीं है। तो हमें डिंडिया से होके दूसरा ऑब्लिक रास्ता है, डिंडिया से होके ऊपर डिंडिया गांव पे जाओ और उसके बाद जो है वहाँ से एक पैदल रास्ता है जो सीधे नीचे आता है, और फिर आते हुए भी हमें उसी रास्ते से आना पड़ेगा। और यहाँ से मेरा गांव ये देखो यहाँ पे है, एक लंबी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी मैं डिंडिया की रोड पर पहुँच गया हूँ। और यहाँ से हमें आगे जाना है, वहाँ से पैदल रास्ता जाता है सीधे टाउन, और वो है बद्रा गांव जाने का रास्ता। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये है डिंडिया गांव, ये देखो यहाँ से। और दरअसल डिंडिया गांव यहाँ ऊपर है रोड से, और हमें जो है यहाँ से आगे जाना है। और आगे जाके वहाँ से एक पैदल रास्ता जाता है जो जाता है बद्रा गांव के लिए। तो हमें जो है वहीं पे जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हूँ मम्मी के लिए। तो चलो, मम्मी भी आ गई है और पीछे के नज़ारे देखो कितने अच्छे हो रखे हैं। तो हल्का हल्का कोहरा जो है वो दिख रहा है और सामने है कंसली गांव। हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है और हमारे घर के ऊपर देखो कितना ज़बरदस्त कोहरा लगा हुआ है। यहाँ से आगे जाके एक पैदल रास्ता जाता है, तो हमें उसी रास्ते पे सीधे नीचे जाना है। और बद्रा का गांव यहाँ नीचे जो आपको ये नदी दिखाई दे रही है इसके जस्ट बगल पे है। हमें जो है वो पैदल रास्ता मिल गया, यही रास्ता है जो जाता है बद्रा गांव के लिए। और अब हमें इसी रास्ते पे सीधे डाउन जाना है, ये हमें लेके चलेगा सीधे नीचे। यहाँ से तो रास्ता ऐसी है मिट्टी भरा पतला सा, और हमें जो है नीचे नदी के पास जाना। तो यहाँ से जो है वो थोड़ा सा अच्छा रास्ता लग गया है, मतलब पत्थर भी छाए हैं इस रास्ते पे। तो ये जो है जंगल वाला रास्ता है, तो मैं इस पे बहुत पहले आया था, काफ़ी टाइम पहले। और यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं, जैसे काफल का पेड़। और ये देखो ये कीड़ा यहाँ पे लटका हुआ है, लेकिन कैमरा जो है इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, तभी उस पर फोकस नहीं जा रहा है। और यहाँ से देखो लोग जो है मंदिर से आ रहे हैं, कितने सारे लोग हैं। तो रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा है, और एक बार मैं गिर चुका हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा मैं दोबारा गिरूँ। ये देखो ये थैले के हाल जो है कुछ ऐसे हो गए, क्योंकि मैं गिर गया था तो इस पर सारी जो है वो मिट्टी लग गई है। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के पास। तो यहाँ पर मंदिर है जस्ट, और यहाँ से जो है वो पहले पुराना रास्ता आता था हमारा, और आज वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ से हमारा जो है वो रास्ता आता था।
भाई इतना फिसलन है ना, थोड़ा भी पैर इधर उधर हुआ तो सीधे यहाँ गिरेंगे। तो पहले जो है हमारा पैदल रास्ता होता था जो यहाँ से होता था, लेकिन रोड बनने की वजह से वो रास्ता टूट गया था। तो अब जो है इस रास्ते पे केवल घास ही जमी हुई है, बाकी तो रास्ता है नहीं। दूसरा रास्ता हमारा यहाँ से था तो वहाँ भी आजकल नदी में पानी बढ़ गया है, तो जिस वजह से उस रास्ते भी नहीं आ रहे। यहाँ पे ये कुछ मकान थे डिंडे वालों के और ये गौशाला थी। अब शायद यहाँ पे गाय नहीं बांधते क्योंकि यहाँ पे घास भी जमी हुई है। और हम जो है जस्ट मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हम पानी के लिए जाएंगे, पानी लेके आएंगे भगवान के लिए, और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये वही लोकेशन है जहाँ से हम जो है मंदिर के लिए पानी ले जाते हैं। और थोड़ा यहाँ पे धूप अगरबत्ती जलाएंगे, जैसे वहाँ पे जला रखी है, थोड़ा टीका टूका लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से पानी लेके चलेंगे मंदिर में। और मंदिर में पूजा जो भी करेंगे, पूजा पाठ वो करेंगे, और फिर जो है घर निकलेंगे। तो मंदिर से जो है पूजा करने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ भाड़ है, और यहाँ पे आए हैं शनिदेव के मंदिर के पास। और ये पीपल का पेड़ है, इस पे ये क्या हो रखा है मम्मी बोली, इसको बोलते हैं पंच पत्तियाँ, मतलब इस पे पांच पत्तियाँ होती है। देखो 1 2 3 4 5 है, सब ऐसी हैं, तो इसलिए इसको पंच पत्तियाँ बोलते हैं। और मम्मी जो है यहाँ पे अगरबत्ती जला रही है और थोड़ा सा पूजा यहाँ पे करते हैं शनि महाराज के पास, उसके बाद घर चलते हैं। तो हम जो है वो मंदिर से वापस घर जा रहे हैं। तो दादी और ये भी मिल गए थे मंदिर पर, क्योंकि ये हमसे थोड़ा लेट आए थे और हम जल्दी आए थे, तो मंदिर पर मिले, हमने इनका थोड़ा वेट किया। और अब जो है हम घर जा रहे हैं। तो मैंने मंदिर पर ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे जो है वो भजन चल रहे थे टी सीरीज के, और कॉपीराइट आने का खतरा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, छोटी सी वीडियो बनाई है। और अब जो है घर चलते हैं, फिर से ऊपर रोड पर जाना है और फिर वहाँ से आगे चलना है, और उसके बाद जो है मैं घर जाना है। तो दरअसल मैं यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गीला हो रखा था और यहाँ से पानी आ रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे इधर रास्ता है वो काफ़ी भयानक है, पहाड़ों से आजकल ऐसा पानी आता है। तो यहाँ देखो, अब इससे पागलपंती का काम और क्या ही हो सकता है, इतने ज़्यादा पानी में वहाँ से आ रहे हैं। अगर कोई बह गया ना तो श्रीनगर से नीचे तो रुकने का ही नहीं है, और वहाँ पे ऐसी आवाज़ करे, चिल्ला रहे, आराम से बह सकते हैं, इतना पानी हो रखा है आजकल पहले ही नदी में, और उसके बावजूद ऐसे उठपटांग काम कर रहे हैं। तो अब जो है मम्मी और ये आगे चले गए। तो आजकल पहाड़ों से ना ऐसे पानी निकलता है, तो छोटे छोटे वाटरफॉल बनते हैं, काफ़ी अच्छे जो व्यूज़ रहते हैं ऐसे वाटरफॉल की वजह से। इस रास्ते पे मैं कम से कम 7-8 साल बाद आ रहा हूँ, ये मुझे रास्ता याद था। ये देखो, अब यहाँ से देखो, वो देखो, ये देखो, ब्रेकफास्ट घर से करके आए हैं, और अगर बह गए ना तो लंच सीधे होगा श्रीनगर में, और डिनर होगा फिर से घर पे। तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, पहले उस टाइम पे कीड़ा दिखाया था और अभी से यही पे ही है। ये देखो, ये है बुरास का पेड़,
और जहाँ पे मैं अभी हूँ मतलब बंद्रा गांव के थोड़ा सा ऊपर जस्ट इस जंगल में, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरास होते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा काफल होते हैं। लेकिन इस बार जंगल में आग लग गई थी, ये देखो ये काफल का पेड़ है, तो जंगल में आग लग गई थी जिस वजह से काफल बचे नहीं थे, वरना मैं यहाँ आता और काफल लेके जाता, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं मिले। तो मैं बंद्रा के गांव से वापस आ गया हूँ, और यहाँ पे कुछ दिन पहले ये रास्ते में बहुत ही ज़्यादा घास हो रखी थी, लेकिन पता नहीं किसने यहाँ पे साफ कर दिया है, तो अब यहाँ पे चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं जो हूँ अब जस्ट उठा हूँ, और बारिश भी लग रही है। तो आज तो हम कहाँ गए थे, बंद्रा के गांव गए थे, तो रास्ता जो है काफ़ी लंबा था, हमें जो है यहाँ से डिंडिया जाना पड़ा, उसके बाद वहाँ से हमें फिर नीचे आना पड़ा, काफ़ी मतलब दूर जाना था। उम्मीद करता हूँ कि जंगल का रास्ता था और आपको ये रास्ता जो है वो पसंद आया होगा। अब मैं पानी के लिए जा रहा हूँ, तो आज के ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी हो चुका है क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, तो इसके बाद जो है वीडियो शूट करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको पसंद आएगा ना तो सब्सक्राइब भी ज़रूर दबा देना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, बाय दोस्तों।